हेलो बच्चों, तो जैसा कि 2024 का रिजल्ट आ चुका है जेईई मेन, और अब आप लोग बहुत उत्सुक होंगे कि भाई इस रिजल्ट में ऐसी क्या क्या चीजें रही। तो मैं आपको बताता हूं, मैनेट की टीम ने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड पूरा एनालिसिस इसका तैयार किया है कि 2024 जेईई मेन में कौन कौन सी नई चीजें थी, कौन सी पुरानी चीजें थी, और कौन कौन से नए ऐसे घटनाक्रम हुए जो आपको सरप्राइज भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा। ये पूरी जो आपको स्लाइड तैयार की गई है, ये राहुल सर ने तैयार की है, और अब राहुल सर इसके बारे में बताएंगे और हम दोनों आपको डिटेल एनालिसिस की तरफ ले चलेंगे। तो राहुल सर, ओवर टू यू। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। जेईई मेन 2024 का जो रिजल्ट का हाइलाइट्स रहा, सीधे हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं यहाँ पे। तो सर, यहाँ पर जो है ना, सेशन वन के अंदर जो है बच्चे रजिस्टर किए थे, ये ऑलरेडी पता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। 12,21,000 बच्चे सेशन वन में रजिस्टर किए थे, जिनमें से 11,70,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। थोड़े बहुत देख रहे हैं अपन, 50,000 करीब एबसेंट थे। देन इसके बाद जब सेशन टू के अंदर अप्रैल में देखा गया, तो 11,80,000 बच्चे रफली रजिस्टर किए थे और 10,70,000, तो आप देख रहे हो यहाँ एबसेंट बढ़ गए सर, करीब करीब 1,10,000 बच्चे एबसेंट हो गए यहाँ पर सेशन टू के अंदर, ठीक है। देन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो कितने जो थे कॉमन कैंडिडेट्स थे, इन दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर किया था, वो 9,24,000 थे, जिनमें से 8,22,000 बच्चों ने दोनों ही शिफ्ट के अंदर सर एग्जाम दिया था यहाँ पे। यानी सब मोटा मोटा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 1,00,000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। हाँ, 1,00,000 बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, बट 8,22 तो दोनों ही शिफ्ट के अंदर बैठ गए थे जाके। तो बच्चों 8,22,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अटेम्प्ट 1 और 2 दोनों किए और बेस्ट ऑफ 2 उनका काउंट हुआ होगा। करेक्ट। और इन्होंने यूनिक कैंडिडेट्स भी दिए हैं, इससे हमें पता चलता है कि कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ रहा है। यूनिक कैंडिडेट्स जो जिन्होंने रजिस्टर किया वो 14,76,000 हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया वो 14,15,000। तो ये यूनिक कैंडिडेट्स हैं। द नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन बोथ दी सेशंस। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा था सर, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए हैं। बच्चों, अगर आपको पिछले साल तक का डेटा याद था, तो 11,00,000 बच्चे करीब जेईई मेन का एग्जाम देते थे सर, यानी 11 से 3,00,000 का इंक्रीमेंट। ऑलमोस्ट आप 12 से 3 भी बोलो तो 27-28% कह रहा हूं, अच्छा जो है इंक्रीमेंट यहां पर दिखा हमें सर। सर थोड़ा सा और बात करते हैं रिजल्ट कैसा रहा। तो ये जो चीज है, आगे सेशन वन के अंदर हमने देख लिया यहाँ पर कि 12,00,000 में से 12,21,000 में से 11,70,000 ने दिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ 50,000 एब्सेंट थे। इन्होंने जेईई मेन ने जो सेशन टू रहा था, वहां का शिफ्ट वाइज कंप्लीट डेटा रिलीज किया यहाँ पर, जहां आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में सर इक्वल ही नंबर जो है स्टूडेंट्स बिठाए थे। एक्चुअली मुझे लगता है इसका ये रीजन रहा होगा, काफी सारे बच्चों ने ये कंप्लेंट की थी कि जो 1 जनवरी की पहली शिफ्ट थी वो आसान है। तो देखिए, ये चीज इस मिथ को तोड़ने के लिए डेटा भी इस बार पहली बार पब्लिश किया गया है, और इसे देखकर ये समझ आ जाए कि जेईई किसी के साथ कोई भेदभाव किसी तरीके का नहीं करती। जेईई ने हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट इक्वल बच्चों को बैठाया है, तो कुछ टॉपर बच्चे किसी में ज्यादा आगे कम आगे आई, मुझे नहीं लगता सर कि ये कोई मैटर ऐसा होना चाहिए। नहीं रहा इस तो वो बहाना नहीं चलेगा कि मेरी शिफ्ट में बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट आ गए होंगे, वो नॉर्मलाइज भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर शिफ्ट में जो परसेंटेज अटेंडेंस है वो भी इक्वली दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि किसी में 95 हो गई, किसी में 89 से 91, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सर अटेंडेंस का हर शिफ्ट में यहाँ पर रहा। तो वो बहाना खत्म। अब इसके बाद सर थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों से कि क्या शिफ्ट वाइज रहा यहाँ पर, कि सेशन वन के कौन थे। टोटल स्टूडेंट देखिए, 23 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सेशन वन में 100% स्कोर किया, 23 स्टूडेंट स्कोर 100%, और ये इनकी पूरी लिस्ट दी है। हम ये पूरी पीडीएफ बना के इस ग्रुप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हम उसमें शेयर कर देंगे और उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर 33 स्टूडेंट थे, तो 23 वन में, 33 सेकेंड में, टोटल देयर वर 56 स्टूडेंट जिन लोगों ने 100% अचीव की। इसका बाइफरिकेशन भी हम लोगों ने किया हुआ है। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पर, कि जब बच्चों ने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी देखा यहाँ पर, तो एक बच्चे के सामने स्टेट अदर लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। इस स्टूडेंट का नाम था प्रणव आनंद साजी, ठीक है। बातचीत करेंगे कि ये अदर स्टेट ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसको हम अदर कह देते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पूरी क्लैरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ये रहा सर, ये देखिए, ये शायद अदर ये वाला था। यस सर, तो ये स्टेट वाइज एनालिसिस स्टूडेंट्स का हमने किया। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल के आ रही है,
देखो यार, हम कहीं भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते, भारत भारत है, पूरा कंप्लीट इंडिया है, बट जहां फैक्ट की बात होती है वहां तो डेटा बताना पड़ता ही है। तो यहां पर देखेंगे तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% स्कोर करें, 15 स्टूडेंट्स, देन आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन चार स्टेट्स को मिला के सर जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है 27 स्टूडेंट्स जो थे यहाँ पर स्कोर करे 100%। यहाँ पर इनके जो है नंबर्स आप लोग के सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं बच्चों। इस बार सर कोटा से कम रह गए, मुझे लग रहा राजस्थान से 5 है, इट इज सरप्राइजिंग। हम दोनों कोटा से ही कैसे ना कैसे रिलेटेड है, सर तो खुद कोटा से हैं और मैंने भी वहां पर 10 साल पढ़ाया और सर ने भी पढ़ाया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पर चलो ये सब चलता रहता है। इसका भी एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस ये कर सकते हैं कि जैसा मेरा मानना है कोविड के बाद जो एजुकेशन है, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से ऑल ओवर द इंडिया डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा राजस्थान के नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो चुके हैं। पर सर ये इंटरनेशनल आपने ये किया है, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल? तो ये इस बच्चे के बारे में जो है पनवानंद साजी, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा देखा, तो दुबई के स्कूल के अंदर जो है इसकी रैंक आ रही थी, लिस्ट आ रही थी, तो व्हाट आर प्रिलिमिनरी एनालिसिस इज दैट कि आज जो है जेई जो एग्जामिनेशन है ये भारत का ही नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसके अंदर अपीयर कर रहे हैं और अपीयर के साथ साथ अब वो 100% तक भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रहा कि बच्चे हम तो ये सोच रहे कि दुबई घूमने जाते हैं, ये बच्चे देखो दुबई में रह के और 100% ले रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज, देयर इज ऑल नॉट दोज, देयर इज अ सिंगल स्टूडेंट, बट अगेन कांग्रेचुलेशंस टू साजी। दिल्ली जो है, दिल्ली के बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर 6 स्टूडेंट्स थे, वेरी गुड। अगर हम नॉर्थ के अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें एक अच्छा अमाउंट चंक जो था दिल्ली से 100% का गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ और बायफर्केशन कैसा रहा। ये जो है सर मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज बायफर्केशन कर रखा है। अच्छा, कि 100% में टोटल बच्चे किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, राइट सर? यस, लाइक आप कहना चाह रहे हो कि जनरल में 40 थे, ओबीसी में 10 थे और 6 बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे में थे, ठीक है? तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में कोई भी बच्चा 100% अचीव नहीं कर पाया, बट इट्स वेरी वेरी क्लोज टू दी 100%। यस, तो अगर आप देखेंगे तो एससी के अंदर 99.907, एसटी 99.992 एंड पीडब्ल्यूडी 99.9873। तो इस तरह से जो है सिर्फ इन तीन कैटेगरी के अंदर ही हमें 100% मिले। आप देख सकते हैं इनका जो सम है टोटल 56 काउंट यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद सर हमने इसे बायफर्केट किया जेंडर वाइज भी सर यहाँ पे। अच्छा, इसमें 2 फीमेल हैं और मेल 54 है, ये बड़ी है भाई इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सर, इसके बारे में तो क्या ही बोले कि टॉप 100 में भी देखने में आता 95 या 96 बॉयज होते हैं, तो सिमिलर रेशियो ऑलमोस्ट देयर। तो ये सर थोड़ा सा ऐसा चीज है जिसके ऊपर जो है हम लोग भी जो है चाहते हैं कि मतलब देश में सभी लोगों को जो है आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले, रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट ये तो देखो मैं कह सकता हूँ कि योग संयोग की बात होती है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हमारा मानना है कि फ्यूचर में जो है जल्दी ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? तो ये जो 2 कैंडिडेट्स गर्ल्स की जो 100% लेके आई थी वो कर्नाटका एंड दिल्ली से थी, एंड जो थर्ड जेंडर यहाँ पर जो हमने बताया वो जो थे उनके अंदर जो टॉपर रहे वो 56.67% पे यहाँ पर रहे थे। सर ने गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए नाम भी लिखा है ताकि इसे देखकर और लड़कियां भी मोटिवेट हों और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ 20 गर्ल्स को देखें 100% आइल। बात ये भी है 54 बॉयज के नाम लिखना थोड़ा सा जो है यहाँ पर चैलेंजिंग चीज हो जा रही थी, दैट्स व्हाई वी समराइज लाइक दैट। चलिए सर, तो अगले पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, ठीक है? जेईई एडवांस का कट ऑफ कितना रहा बच्चे, आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे जानने में। इसके बारे में अगर बात करें तो ये देखिए 2024 में 93.23 की इसकी कट ऑफ रही, और मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर ये जो कट ऑफ थी ये 90% थी, यहाँ पर सर ये 90.77 थी, और अगर आप देखेंगे तो 93.23। बच्चों यहाँ एक बड़ी अच्छी मैं बात बताऊंगा, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है और राहुल सर ने ही वो वीडियो लिया था, उसमें राहुल सर जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि 92 से 93 रहेगी, लगभग वही परसेंटाइल यहाँ पर रही है। हाँ। एक और सर ने प्रेडिक्शन किया था कि कहां गई वो, एक और कैटेगरी के लिए आपने बोला था, हमने जो है ना सर सारी कैटेगरी का यहाँ पर बच्चों को प्रेडिक्शन करके दिया था जिसमें हमने बात करी थी कि ईडब्ल्यूएस क्या रहेगा, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जस्ट फॉर द फैक्ट मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो है एसटी का 37% कट ऑफ रहा था एडवांस के लिए, हमने 37 से डायरेक्टली 48% प्रेडिक्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था सर इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आप कैसे शो कर रहे हैं, देखो सिंपल मैथमेटिक्स थी, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन
कंपटीशन बढ़ रहा था, तो हमने सर यहाँ 48 प्रेडिक्ट किया था, 46.7 इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज यहाँ पर दिखा हमें, तो आप वो वीडियो भी सर का देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिला के देखो मोटी मोटी बात सर, एक और चीज है कि यहाँ पर जो है लास्ट ईयर 2,50,255 स्टूडेंट्स जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हुए थे, अभी भी उतने ही है सर, 2,50,284 ठीक है। हालांकि थोड़ा सा जो है यहाँ पर हल्का सा 1,000 स्टूडेंट्स का डिप हमें जो है जनरल कैटेगरी में देखने को मिला, बट दैट इज ओवरऑल हम समराइज कर सकते हैं कि मोटा मोटा नंबर सेम है, वो चलता रहता, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है हमने सर कट ऑफ बताया, आफ्टर दैट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस स्टेट से कितने परसेंटाइल पे टॉपर गया सर। ये देखिए, ये सारे स्टेट्स हैं जिनके टॉपर की 100% थी, बट सारे स्टेट्स उतने लकी नहीं है कि वहां से 100% आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं कि मिजोरम, तो मिजोरम का जो टॉपर था उसकी परसेंटाइल 93.623 थी। तो आप देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, हालांकि उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता 100 और 99.99, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, ये जितने भी 99 में कुछ पॉइंट्स तक जा रहे हैं, जैसे हम कहेंगे दादर एंड नागर हवेली तक, ठीक है, 99 ही कुछ है, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि अच्छा एक टफ जो है कंपटीशन चली रहा है हर जगह। हाँ। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एक बहुत मेजर चांस है कि आपकी थोड़ी कम परसेंटाइल पे भी आप एक स्टेट टॉपर कहलाए जाओ। ठीक सर, मैं देख रहा था कि मिजोरम में इवन 70,000 वाले बच्चे को भी कंप्यूटर साइंस होम स्टेट अगर होता है तो कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस होता है। मिल जाती है सर, बिल्कुल सही। तो ये जो है ये डेटा है ना आपको मोटिवेट करने के लिए है, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दीज स्टेट्स जेई मेन जरूर लिखें आप फ्यूचर में, एंड टॉपर अगर आप बनेंगे तो स्टेट टॉपर लाइफ टाइम कहलाने में सर एक अलग ही मजा होता और है। बिल्कुल, ये तो नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स हैं, इन पे तो सरकार का भी स्पेशल ध्यान है। चलिए तो आगे देखते हैं सर, इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, हाँ। ये जो है जो सेशन 2 का जो फाइनल रिजल्ट अभी रिलीज हुआ उसके अंदर लास्ट में ये स्टेटमेंट आ रहा था, रेड कलर में मार्क करके उन्होंने दे रखा था, स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट फॉर 3 years हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट 39 कैंडिडेट्स ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स। तो ये जो है जेई मेन सर, ये थोड़ा बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हर साल ये कंप्लेंट आ रही थी, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, इवन मेरे पास ऐसे कई बच्चों ने एडमिट कार्ड भेजे कि पहले अटेम्प्ट में उनकी परसेंटाइल थी 40%, 30% और दूसरे अटेम्प्ट में 99.9 थी। इवन हम लोग भी ऐसी चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बट इस बार उन NTA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करके काफी बच्चों को पकड़ा, और मैं तो कहता हूं कि 39 भगवान करे ये इतने ही हो, अगर कोई और बाद में भी मिलता है तो इनको लाइफ टाइम के लिए डिबार कर देना चाहिए जो इस तरीके का मिसयूज करते हैं इन चीजों का। इस साल जेई मेन में देखा गया कि सर AI टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, इसके अलावा जब भी कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा था तो वापस से फ्रिस्किंग दो बार उसकी हो रही थी, वापस से फ्रिस्किंग बूथ से गुजरा, तो एक अच्छा जो था इनिशिएटिव था जहां पर एग्जाम से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं उस डायरेक्शन के अंदर। तो वेल वी थिंक कि ये जो है एग्जाम और इतने ही अच्छे फेयर तरीके से फ्यूचर में होता रहेगा। सर ने जो बात बोली थी उस पर एक छोटी सी बात बच्चों आपको बता देता हूँ, आज ये स्टूडेंट्स 39 है, ये कम होंगे ज्यादा होंगे हमें नहीं पता, बट देखो अगर आप अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहते हो तो लाइफ में आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, ये चीज मान के चलना, आप खुद फील कर पाएंगे इस बात को। और मिसयूज गलत चीजें यूज करने से आपको आगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कॉलेज में तो चले जाएंगे, वहां के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, प्लेसमेंट नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों का। एंड सर लास्टली जो है सारी चीजें खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जेई मेन की अगर परसेंटाइल कम रही है, एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए हो, और अगर आपके मन में ये जुनून है, इच्छा है कि नहीं सर जेई एडवांस 2 मौका देती है, मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत और लगन से तैयारी करनी है जिससे कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकूं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो सर मैनिट का जो है ड्रॉपर बैच जो है मई मंथ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम बच्चों के, मैं इन्हें ड्रॉपर नहीं बोलता, मैं टॉपर बोलता हूँ, तो आप जैसे टॉपर बच्चों के लिए भी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं सर, कई बार किसी बच्चे को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली होती, कई बार होता है कि कोचिंग में टीचर बीच में से गायब हो गए, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारियों में अदर रीजन की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपको IIT ही चाहिए, आपको NIT ही अच्छी चाहिए, तो घबराए नहीं, मैनेट और मैनेट की पूरी टीम हम लोग आपके लिए अवेलेबल है कालू सराय में, आप लोग विजिट कर सकते हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम लोग टॉपर बच्चों के लिए, नॉट ड्रॉपर सर, टॉपर बच्चों के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। थैंक यू।